समय की है जब चित्रकूट में जनक और श्री भगवती जानकी जी का विवाह के बाद प्रथम मिलन हुआ। जिस समय भगवान श्री राम वनवासी हो गए और जनक महाराज को जब सूचना मिली कि अकस्मात सब हो गया, जो राम जी राजा बनने वाले थे वो 14 वर्ष के लिए श्री जानकी सहित लक्ष्मण जी के सहित अयोध्या से वन गमन कर गए। जब जनक जी को ये सूचना मिली तो जनक जी समझ नहीं पाए कि मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। और देखो, उस पिता की मानसिक स्थिति का चिंतन करो जिसकी 4 बेटियां एक ही परिवार में गई हैं महाराजा उदेश के। 2 बेटी इनके छोटे भाई की हैं, जानकी जी उर्मिला जी श्री जनक नंदिनी के रूप में विख्यात हैं। तो जिस पिता की 4 बेटियां एक ही परिवार में गई हैं, श्री जानकी जी भगवान के साथ अयोध्या से निकल गई वन के लिए और निर्णय ये हो गया अयोध्या में कि राजा अब भरत बनेंगे। और भरत राजा बनेंगे तो वो बेटी भी जानकी की है, जनक जी की है वो बेटिया भी, मांडवी जी भी। तो उस स्थिति में जनक नहीं सोच पा रहे कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं भरत को बधाई भिजवाऊं राजा बनने की, क्योंकि वो भी तो मेरी बिटिया है, वो भी भरत जी भी तो मेरे ही दामाद हैं। तो ऐसे में जब भरत के लिए राज्य निश्चित हो गया तो जनक जी समझ नहीं पा रहे क्या उनके लिए शुभकामनाएं भिजवाऊं, उनके लिए उपहार भिजवाऊं, मंगल कामना भिजवाऊं, या मेरी पुत्री जानकी और श्री भगवान राम वनवासी हो गए इस विषय को मान करके उनके पक्ष में जाऊं। तो दोनों के बीच में जनक महाराज झूल गए, किसका पक्ष लूं। पहले चूंकि राज ऋषि है, ज्ञानी है जनक, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना बड़ा जरूरी है, सारी स्थितियों पर चिंतन करना जरूरी, क्या ठीक रहेगा। अगर मैं भरत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ, यदि मैं भरत के लिए उपहार भेजता हूँ, तो कहीं अवधेश के मन में या तो पूरी अवध की प्रजा के मन में ये या राम जी के मन में भी ये बात तो नहीं आएगी कि मेरा पक्ष भरत के साथ है। ऐसी स्थिति में जब ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो जनक जी ने अपने दूतों को भेजा अयोध्या में, वहां जाकर देखो क्या चल रहा है। जनक के दूत आए और जिस समय महाराज अवधेश का अवसान हो गया और भरत लौट करके आए, उस समय जनक महाराज के गुप्तचर अयोध्या में घूम रहे सबके मन की बात टटोलने के लिए। और तब जब भरत जी की मानसिकता समझ आ गई और भरत जी चित्रकूट की ओर चले राम जी को मनाने के लिए, दूतों ने जाकर के कहा, महाराज भरत जी महाराज सिंहासन स्वीकार नहीं कर रहे हैं और राम जी को मनाने के लिए गए। और जब ये सुना तो सबसे ज्यादा प्रसन्न आज जनक जी हुए, सोचने लगे कि मैंने जो कल्पना की थी कि कल भरत आ जाएंगे सिंहासन स्वीकार कर लेंगे, ऐसी परिस्थिति में अगर भरत राजा बन जाते तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी दुविधा थी, दो में से एक पक्ष में तो मुझे रहना ही पड़ता है, लेकिन आज भरत जी ने मेरी दुविधा का अंत कर दिया।